वसई फोर्ट। वसई फोर्ट महाराष्ट्र के वसई शहर का एक किला है। किला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। सन 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात सल्तनत से वसई का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। फिर सन 1536 में पुर्तगालियों ने वसई का किला बनवाया और तकरीबन 200 साल तक यहाँ और मुंबई के कई जगहों पर राज्य किया। वसई का किला भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और सैन्य अड्डा था। सन 1739 में पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने वसई किले पर कब्जा करने के लिए एक अभियान शुरू किया। और फिर बैटल ऑफ वसई मराठों और पुर्तगाली साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई 2 दिनों तक चली। युद्ध में कई पुर्तगाली सैनिक मारे गए। पुर्तगालियों ने अपना गोला बारूद और लड़ने का साहस खो दिया और हार गए। इस प्रकार मराठों ने किले पर विजय प्राप्त की। वसई के किले में 3 तरफ समुद्र का पानी है और किले तक जाने के लिए 1 तरफ जमीन है। इस किले के भूतल पर बहुत ऊंची दीवारें हैं, इसलिए इस किले पर जमीन पर भी आक्रमण करना बहुत कठिन था। बैटल ऑफ वसई में मराठों ने इनमें से एक मीनार को बारूद से उड़ा दिया था और किले पर हमला कर दिया और अपने सैनिकों के साथ किले में प्रवेश किया। सन 1818 में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और भारत की आज़ादी तक उनके शासन में था। वसई किला 110 एकड़ के पूरे क्षेत्रफल में फैला हुआ है। किले पर कई बर्गलर गेट भी हैं, जो कि उस समय दुश्मन के अचानक हमले करने पर किले से सुरक्षित बाहर निकलने के उद्देश्य से बनाए गए थे। बड़ी संख्या में सैनिकों के भोजन के लिए एक बड़ी रसोई भी बनाई गई थी। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से एक जमीन की ओर खुलता है। किले के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारें थी, जो 30 फीट से अधिक ऊंची थी। वसई के किले में एक चर्च, एक कॉलेज, एक अन्न भंडार, एक पुस्तकालय, एक हॉस्पिटल, हनुमान मंदिर, चिमाजी अप्पा का स्टैचू, वज्रेश्वरी मंदिर और एक चहल पहल वाला बाजार भी है। यह किला बॉलीवुड फिल्मों और गानों की शूटिंग के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय स्थान है। शाहरुख खान, अभिनीत जोश, लव के लिए कुछ भी करेगा, खामोशी और रामगोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्मों की शूटिंग भी यहीं की गई। किला नायगांव या वसई रेलवे स्टेशन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। रास्ते की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधों ने भी गुफा का आकार लिया हुआ है।